हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी अगला हम एमसीक्यू ही देख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को टेस्ट की तैयारी भी करनी है। तो ये ईयर टू ईयर भी है और कुछ हो सकता है फर्स्ट चैप्टर से भी थोड़ा सा रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसमें मैं 10-10 क्वेश्चन का आप लोगों को सीरीज बना कर दे रही हूँ। तो चलिए, सेकंड बिल्कुल तैयार हो जाइए और आप लोग फिर से अपनी ईमानदारी रखेंगे। आप खुद पहले टिक करेंगे और लास्ट में जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही आंसर चेक करेंगे। ओके, रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी आर। अब ऐसे एनिमल जिनके ईयर हम नहीं देख पाते, काउ, बफेलो, कैट, लॉयन, स्नैक, लिजार्ड, बर्ड, फ्रॉग, कैट, डियर, टाइगर, नन ऑफ द अबो। आप सबसे पहले ऑप्शन पूरा एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको टिक करेंगे। ठीक है, मैं इसका आपको मीनिंग भी नहीं समझा रही हूँ, आप खुद से टिक करिए। उसके बाद जब आंसर बताते वक्त मैं मीनिंग बताऊंगी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु गिव्स बर्थ टू बेबी। स्पैरो, डक, हैन, बैट। ठीक है, बैट माने पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु लेज एग्स। काउ, बफेलो, ईगल, पैरट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द डैश ऑन देयर स्किन। टेल, ईयर, हेयर, फिंगर। क्या होने के कारण डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं एनिमल में। फिफ्थ क्वेश्चन, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स डैश फर्स्ट गिव बर्थ टू बेबी, सेकंड ले एक्स, थर्ड नन ऑफ दिस। ठीक है, आपको तीन ऑप्शन भी मिल सकते हैं, चार ऑप्शन भी मिल सकते हैं। यू आपको खुद से समझना है कि कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बर्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स, बर्ड्स ऑल्सो हैव ईयर्स बट वी कैन नॉट सी देम, बर्ड्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स। अब इस इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है उसको लिखिए आप अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हेन शुड पनिशमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर द यंग चिल्ड्रन। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है आपको। व्हेन दे डू नॉट डू देयर होमवर्क, जब वो अपना होमवर्क नहीं करते। व्हेन दे कम लेट इन द स्कूल, जब लेट स्कूल आ रहे हैं। व्हेन दे मेक अ नॉइस इन द क्लास, और नेवर। हाँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ प्रॉपर वर्ड्स। अ बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, लेग और आईज। क्या आएगा यहाँ पर, आप खुद सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल्स आर कवर्ड विथ डैश, दे हेल्प द बर्ड टू हियर। होल्स आर कवर्ड विथ डैश, दे हेल्प द बर्ड टू हियर। अब देखिए, जो होल है वो किससे कवर रहते हैं और जो बर्ड को सुनने में मदद करते हैं, फेदर्स, एक्सटर्नल ईयर, हेयर और स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी एंड हु गिव बर्थ टू बेबी आर कॉल्ड। मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट। तो चूज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, नाउ द आंसर ऑफ द एमसीक्यू। चलिए, रेडी? अपने आंसर आप अपने नंबर एकदम ईमानदारी से डालेंगे। ठीक है, जिसके ईयर्स हम नहीं देख सकते उस वो यहाँ पर ग्रुपिंग दिया है एनिमल्स की, हम चलिए देखते हैं। काउ, बफेलो, कैट, लॉयन, सबके ईयर दिखाई देते हैं। स्नैक, लिजार्ड, बर्ड, फ्रॉग, इनके ईयर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, कैट, डियर, टाइगर, इसके भी ईयर दिखाई देते हैं, नन ऑफ द अबो भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, वन का क्या आएगा, बी। नेक्स्ट, सेकंड, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु गिव्स बर्थ टू बेबी। बर्थ टू बेबी में स्पैरो, स्पैरो बर्ड है, चिड़िया है, नहीं देती, वो एग देती है। डक, इट इज ऑल्सो ले एक्स, है नो, बैट। बैट माने चमगादड़, चमगादड़ बर्थ टू बेबी देता है ना। लेकिन इसमें आप देखिए, ये उड़ता भी है, परंतु ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये आपका मैमल्स में आता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु लेज एग्स, अब कौन अंडे देता है। काउ, नहीं, ईगल, यस, है ना।
बफेलो ये भी आपका क्या देता है, गिव बर्थ टू बेबी एंड पैरट, पैरट यस, हु लेज एग्स, पैरट इज ऑल्सो ले एग्स। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन थ्री में आपका ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द डैश ऑन देयर स्किन, उनकी पूंछ होने के कारण, कान होने के कारण, हेयर होने के कारण या फिंगर होने के कारण। जो स्किन में पैटर्न होते हैं, किसी का ऐसे गोल गोल होता है, किसी के शरीर में धारियां होती है, तो वो सब क्या कारण है, उसके शरीर में जो हेयर होता है, ठीक है ना, ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, वो उसका पैटर्न बनाता है। हेयर निकाल दो तो जैसे बाल निकल जाते हैं, तो एकदम अपना सिर कैसे दिखाई देता है, उस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, हेयर के कारण ही वो पैटर्न होता है एक्चुअली। तो हेयर मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल, जिसके ईयर हमको दिखाई देते हैं, जिनके शरीर में हेयर होता है, उनके शरीर में हेयर होता है, और इन एनिमल्स, ये एनिमल जो है गिव बर्थ टू बेबी और ली एग्स, एक्चुअली ये दो ही ऑप्शन है और सी है नन ऑफ दिस, मतलब इन दोनों में से कोई सा नहीं। तो सही है ऑप्शन क्या है, वे बर्थ टू बेबी, दे गिव बर्थ टू बेबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा तो जो बाकी ऑप्शन इन बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, अगर यहाँ पर इनकरेक्ट दिया है तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है, बर्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स, ये सही है क्या, पहले ही ऑप्शन में लोग सही टिक कर देते हैं, बर्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स। सेकंड क्या दिया हुआ, बर्ड्स ऑल्सो हैव ईयर्स बट वी कैन नॉट सी दैम, ये सही आंसर है, ये दोनों आंसर एकदम क्लोज है। तो कई लोग एकदम देखते हैं हाँ बर्ड्स के तो कान नहीं होते, ऐसा नहीं है, कान की जगह दो होल होते हैं और जो फेदर से ढके हुए होते हैं, एक्चुअली हमको दिखाई नहीं देते। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि उनके कान नहीं होते, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, लेकिन सुनते वो भी है, क्योंकि सुनने हम सब सब सुन तो अपने कानों से ही सकेंगे ना, तो अपने कानों से ही हमको सुनाई देगा, इसलिए कान तो जरूर होते हैं परंतु हम उसको देख नहीं पाते। बर्ड्स हैव एक्सटर्नल ईयर, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, बर्ड्स के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जगह दो होल होते हैं, ऐसे लिजार्ड के भी दो होल होते हैं, क्रोकोडाइल के भी दो होल होते हैं उसके हेड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड पनिशमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर द यंग चिल्ड्रन। अब चलिए इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सेंसिटिव है, व्हेन दे डू नॉट डू देयर होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं किया तो दम 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 मारना चाहिए क्या। सेकंड, व्हेन दे कम लेट इन द स्कूल, लेट आए स्कूल तब भी मारना चाहिए। व्हेन दे मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्लास में तो बहुत शोर मचाते हो आप लोग, है ना, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अभी भी अभी तो आप लोगों को ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन और आपका फोर्थ ऑप्शन है नेवर, क्या सही होना चाहिए। यहाँ पर पनिशमेंट के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, बच्चों को खुद से अपनी अनुशासन में रहना है ताकि उन्हें पनिशमेंट इस तरह की गलती करने का मौका ही ना मिले। हमें पनिशमेंट किसी भी हालत में बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आएगा, डी, मतलब नेवर, कभी नहीं, हमको देना ही नहीं है उन्हें पनिशमेंट, ठीक है। बच्चों को अनुशासन में रहना है और अनुशासन में रहकर अपना काम करेंगे तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कभी गलती से, धोखे से गलती कर लेते हैं बच्चे, तो हमें उन्हें प्यार से समझाना है, लेकिन पनिशमेंट हमें नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ प्रॉपर वर्ड्स। अ बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स, ये मैंने अभी पिछले ऑप्शन में भी आपको बताया कि बर्ड्स के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, लेकिन उनके पास टाइनी होल्स होते हैं बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हेड, हेड के दोनों साइड में दो छोटे होल होते हैं। द होल्स आर कवर्ड विथ, किससे कवर्ड रहते हैं होल, फेदर से, है ना, उनके दो पंख होते हैं ना बड़े बड़े, उससे वो मतलब पंखों से वो ढके हुए होते हैं, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देते, परंतु उनके कान हम देख नहीं पाते, उसी से वो सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी एंड हु गिव बर्थ टू बेबी आर कॉल्ड, ये आप लोगों को पहले ही बताया है मैंने, क्या कहलाते हैं? मैमल्स। ठीक है, तो फिर से आप देखिए 10 में आपको कितने मार्क्स मिले और मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।